का जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी जो है लास्ट चैप्टर में काफ़ी डिटेल से पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास क्या है। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये एक फिनोमिना है जो कम्बिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी का और इसमें मैग्नेटिज्म का। मतलब कि अगर आपके पास कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैं एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देती हूँ इस तरीके से कि इस कंडक्टर के अंदर जो है करंट फ्लो करना शुरू कर दे। तो जैसे ही करंट इस कंडक्टर के अंदर से, जो कंडक्टर हमारे पास एल लेंथ का है, इसके अंदर से फ्लो करना शुरू करता है, तो इस कंडक्टर के साइड पे यानी कि इस कंडक्टर के अराउंड जो है हमारे पास मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अपेयर हो जाती हैं, जो कि ये रिप्रेजेंट करती हैं कि अब इस कंडक्टर के अंदर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट आना शुरू हो गया है। अब ये कंडक्टर एज अ मैग्नेट एक्ट करना शुरू हो जाएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब है कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, उसे बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो करंट के पैसेज की वजह से उसके अंदर जो है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इसी तरीके से इंडक्शन का मतलब है कि इंड्यूस होना, मतलब कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है किसी दूसरी चीज़ के अंदर प्रोड्यूस किया जा सकता है। मतलब कि इस तरीके से अगर आपके पास कोई यहाँ पर मैग्नेट है, लग से कि ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पर ये इसका साउथ पोल है। आपको मालूम है कि इस मैग्नेट के अराउंड इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी जहाँ पर इसका मैग्नेटिज्म इफेक्ट प्रोड्यूस होता होगा, और इसका जो है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी लगा देती हैं, जो कि इसके नॉर्थ पोल से निकलती हैं और सर्कुलर डायरेक्शन में होती हुई जो है साउथ पोल से इसमें दोबारा एंटर का हो जाती हैं। मतलब कि हमेशा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो हैं इसके नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल से जो है दोबारा इसके अंदर आ जाएंगी, और इस तरीके से साइड में इसकी जो है सर्कुलर डायरेक्शन में इनकी रिप्रेजेंटेशन होगी इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी मैग्नेट है, ज़रूरी नहीं कि आप बार मैग्नेट लें, आप कोई भी मैग्नेट ले लें, यू शेप मैग्नेट ले लें, हर मैग्नेट का कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी होती हैं। हम लोग इस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को इसलिए यहाँ पर इनका जो है जिक्र कर रहे हैं कि हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास एक मैग्नेट है इस तरीके से, और इस मैग्नेट में से जो है कुछ जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है अपेयर हो रही हैं इस तरीके से कि इसके नॉर्थ पोल से वो निकलती हैं, ये इस तरीके से। सिर्फ हम नॉर्थ पोल को ही कंसीडर करते हैं, चूँकि हम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ को समझाना है। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर जो है इस रीजन के अंदर इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है यानी कि इसका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो इस रीजन तक है, यहाँ तक है, चूँकि यहाँ पर इसकी जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो है हमारे पास इस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के दरमियान में मैं एक कॉइल इस तरीके से ला के रख दूँगी, हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल को मेन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के दरमियान में ला के रखना चाहती हूँ इस तरीके से कि ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज में मैंने क्या किया कि ये मेरे पास मेरा मैग्नेट है, इसी तरीके से पड़ा हुआ है, हमारे पास जो मैग्नेट हम लोगों ने इस्तेमाल किया है ये इसमें से अपेयर होने वाली मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं। इन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के रास्ते में मैं ये कॉइल को उठा के इस तरीके से रख दूँ कि पूरी की पूरी कॉइल जो है इस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के रास्ते में आके इस तरह से पड़ी हो। तो अब इस सिचुएशन में इस कॉइल के अंदर से पूरी की पूरी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है पास कर रही हैं। लेकिन अगर थर्ड में मैं इस तरीके से यूज़ कर लूँ कि मेरा मैग्नेट यहीं पर है और मैं अपनी कॉइल को जो है इस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के रीजन से काफ़ी दूर ले जाऊँ, फॉर एग्जांपल कि ये जो है हमारे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रही है इस तरीके से, और मैं अपने कॉइल को यहाँ रखने की बजाय अब मैं अपना कॉइल थोड़ा सा दूर ले जाऊँ कि इसमें से पास करने वाली मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की जो अमाउंट है वो पहले के इसको बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो जैसे ही आप किसी भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के रीजन में लाकर अपना कोई भी कंडक्टर, कोई भी कॉइल रख दें और उस कॉइल की सरफेस से कभी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा पास करें और कभी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है वो कम पास करें, तो इस वजह से इस सरफेस के अंदर जो है एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि इस सरफेस में से पास करने वाली मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की जो अमाउंट है वो कभी ज़्यादा हो रही है और कभी कम हो रही होती है। तो जब किसी भी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की
अमाउंट किसी भी सर्फेस से पास करने की वजह से कभी ज़्यादा हो कभी कम हो, मतलब कि आप अपने मैग्नेट को हो सकता है कि इस कॉइल से ज़रा दूर ले जाएं, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कम पास करेंगी। लेकिन अगर आप अपने कॉइल को इस तरीके से मूव करते हो कि आप अपने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बिल्कुल अंदर ले आते हो, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास करेंगी। तो जब ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास करें किसी कंडक्टर के अंदर या कम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास करें, तो उस सर्फेस के अंदर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास यहाँ पर जो है इस तरीके से एक सोलेनाइड कॉइल है, हम सोलेनाइड के भी जो है तीन केसेस ले लेते हैं। ये सोलेनाइड है, इसे हम लोगों ने जो है गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया, ये हमारा केस नंबर वन है। फिर हम एक सोलेनाइड की कॉइल लेते हैं और इसे फिर दोबारा जो है गैल्वेनोमीटर से अटैच कर देते हैं इस तरीके से, ये हमारा केस नंबर टू है। फिर थर्ड केस में भी हम यही करते हैं कि हम ये सोलेनाइड की कॉइल लेते हैं और इसे गैल्वेनोमीटर से अटैच कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट केस में हम लोग यहाँ पर नॉर्थ पोल को लाते हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। सेकंड केस में यहाँ पर अब हम जो है अपने मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करेंगे, और सेकंड केस में हम क्या करेंगे कि हम अपने मैग्नेट को इससे अवे मूव करेंगे, जबकि नॉर्थ यहीं पर रहेगा और साउथ यहीं पर रहेगा। और इसके बाद एक कंडीशन हम ऐसी कर लें कि हम अपने साउथ पोल को यहाँ पर ले आएँ और नॉर्थ पोल को यहाँ पर ले आएँ। तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस बन गई। अब इन तीन कंडीशंस में होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल कि पहली कंडीशन जब हम अपने नॉर्थ पोल को इस सोलेनाइड कॉइल के पास ला रहे हैं, तो क्या होता है कि हमें मालूम है कि हमारे नॉर्थ पोल से जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलनी है। तो जैसे ही मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस पास रखेगी सोलेनाइड कॉइल के अंदर से पास करेंगी, तो इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी जो कि ये इंडिकेट करेगी कि इसमें एक EMF प्रोड्यूस हुई है जिसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर आप अपने मैग्नेट को वहीं पर सोलेनाइड कॉइल को वहीं पर रखें और मैग्नेट को सोलेनाइड कॉइल से अवे मूव करें, तो क्या होगा कि अब ये दूर जा रहा है उससे, तो अब इस सर्फेस से पास करने वाली मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो हैं वो पहले की निस्बत कम होंगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर अब भी गैल्वेनोमीटर जो है एक डिफ्लेक्शन शो करेगा जो कि ये इंडिकेट करेगा कि अभी भी इसमें EMF प्रोड्यूस हुई है। लेकिन चूंकि अब हमारा मैग्नेट जो है इस सोलेनाइड कॉइल से ज़रा अवे जा रहा है, तो यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाली EMF की अमाउंट जो है पहले से कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप ये करें कि अब आप अपने नॉर्थ पोल की बजाय अपने साउथ पोल को जो है इस सोलेनाइड कॉइल के पास आएँ, तो आपको मालूम है कि आपकी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जाहिर सी बात है यहाँ से निकलती हुई सर्कुलर डायरेक्शन में जाहिर सी बात है इस तरीके से आती होंगी, इसमें कुछ इस तरीके से जो है इसके अंदर आ रही होंगी वापस। तो गुजर तो अभी भी सोलेनाइड के अंदर से रही है ना, जिसकी वजह से अब भी गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी क्योंकि अभी भी EMF प्रोड्यूस हुआ है क्योंकि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है सोलेनाइड में से पास तो हुई है। लेकिन चूंकि ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स या ये जो EMF प्रोड्यूस हुआ है ये उस सिचुएशन में हुआ है जब हम अपने साउथ पोल को इसके नज़दीक लाए थे, तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी वो पहली वाली डिफ्लेक्शन से रिवर्स केस में शो करेगी। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी मैग्नेट को किसी भी सोलेनाइड कॉइल या कंडक्टर की बनी हुई किसी भी चीज़ के पास में, तो उसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इंड्यूस हो जाता है। इसी तरीके से इस जो EMF की मैंने बात की है, इस EMF को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर मोशनल EMF कहते हैं। इस मोशनल EMF का क्या मतलब है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। मतलब कि EMF को हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर एक न्यू टर्म दी है जिसे हम लोग जो है मोशनल EMF कहते हैं। मोशनल EMF को हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि ये आपके पास एक कंडक्टर है, बल्कि इसे थोड़ा सा ना डिफरेंट कलर से बनाते हैं ताकि आपको भी ईजी हो समझने में। फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे पास दो वायर्स हैं और इन वायर के साथ मैंने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया इस तरीके से। अब इनके ऊपर जो है मैंने एक कंडक्टर को मूव कराना है। देखिए कंडक्टर को मूव कराने से पहले इसकी बाकी की टर्म्स बता दीजिए। यहाँ पर इस बैटरी के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ पर जो है हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है इस तरीके से। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो हमारा जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अब अगर मैं और यहाँ पर जो है मैं एक कंडक्टर रख लेती हूँ इस तरीके से, जिसे यहाँ पर मूव कराना है इसके ऊपर। ये बिल्कुल वैसा ही तरीका है जिस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मालूम की थी ना कंडक्टर के ऊपर, सेम यहाँ पर भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही मालूम करेंगे इस कंडक्टर के ऊपर। सेम प्रोसीजर पहले वाला है, जिस तरीके से हम लोगों ने कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो है मालूम की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसी भी कंडक्टर के ऊपर कैसी होती है जब ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जो है मूव करता है। अब चूंकि इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर से, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो यहाँ पर कोई ना कोई ये चूँकि जो मैंने वायर्स यूज़ की हैं ये भी कंडक्टर की बनी हुई होंगी,
और ये जो कंडक्टर है ये यहाँ पर हम लोगों ने प्लेस कर दिया है, तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है जो कि यहाँ पर इनटू द पेपर है इस तरीके से। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी आ गई जो हमारे पास इनटू द पेपर आ गई इस तरीके से। अब इस कंडक्टर को हम लोगों ने यहाँ पर रखा है और इस कंडक्टर के ऊपर हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स के इफेक्ट को देखा है। हमें मालूम है कि करंट इसमें जो है इस डायरेक्शन में पास कर रहा है, यहाँ से जाने के बाद करंट ने इस डायरेक्शन में जाना है। अब हमें मालूम है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, जो हमारे पास स्पीड प्रोड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, वो जो है इनटू द पेपर है। तो हमें मालूम है ये इनटू द पेपर है, और अगर हम अपना राइट हैंड यूज़ करें, उसका जो मेथड है वो यूज़ करें, तो हमारा जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बी जो है वो इनवर्ड है यानी कि इनटू द प्लेन है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो हमारी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी जो है हमारी इस डायरेक्शन में होगी। और हमें ये भी मालूम है कि जब भी कोई कंडक्टर इस तरीके से किसी भी, अगर हम दो रेल्स ले लें, उन्हें गैल्वेनोमीटर से अटैच करके हम यहाँ पे बैटरी भी लगा दें और उस रेल के ऊपर जो है हम लोग कंडक्टर को मूव करें, तो कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उस मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग क्यू वी इंटू बी के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि इस कंडक्टर से गुजरने वाले चार्जेस हैं जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसे हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनटू द प्लेन है, और वी वो वेलोसिटी है जिसके साथ ये कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फोर्स के इफेक्ट के अंदर मूव करता है, इस तरह लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। तो ये चीज़ को हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग कंडक्टर के ऊपर मालूम कर सकते हैं जब हम इसे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के अंदर रखते हैं। तो ये सारा का सारा काम तो पुराना है कि हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है हम लोगों ने अपना कंडक्टर रखा, जैसे ही कंडक्टर रखा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई जो कि इनटू द प्लेन थी, और उस कंडक्टर के ऊपर जो है मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट कर रही थी, करंट उसमें पास कर रहा था, डी की डायरेक्शन इनवर्ट थी, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में आ जाती है। तो इस तरीके से हमारे जो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है इस कंडक्टर पे लगने वाली वो क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल आ जाती है, और दूसरी इसी को ये कह देते हैं। सिमिलरली दूसरी बात हमें ये भी मालूम है कि इस कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी तो पास कर रही है। तो अगर हम ये कहते हैं कि इस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, तो हमें ये तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह रहे हैं कि इस कंडक्टर के ऊपर जो है कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो लग रही है ना। जाहिर सी बात है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें हम लोगों ने मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले से में जो है क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अगर हम इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, चूँकि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी तो पास कर रही है, उसी की वजह से तो इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स आएगी उसे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास पी इंटू क्यू के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाती है। यानी कि जितनी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो जितने इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, जितने चार्जेस पे लग रही है, वो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाती है। तो ये दोनों फोर्सेस हमारे पास निकल आती हैं। अगर हम ये कहें ये अजम्पशन कर लें कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बराबर है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो बराबर है क्यू वी वी के। यहाँ पर जो है क्रॉस को निगलेक्ट करने के लिए हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हमारा साइन थीटा क्या है। तो हमें मालूम है कि हमारा साइन थीटा यहाँ पे 90 है, और साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल होता है। वो किस तरह से 1 के इक्वल है, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, और हमारा जो बी है वो इस तरीके से इनवर्ड में मूव कर रहा है, जिसकी वजह से इनवर्ड होने की वजह से एक चीज़ अंदर की तरफ है और एक यहाँ पर, तो यहाँ पर 90 का एंगल बन जाता है, जिसकी वजह से साइन 90 जो है 1 के इक्वल आ जाता है, और हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्यू वी बी के इक्वल आ जाती है। तो अगर हम लोग ये अज्यूम कर लें कि हमारे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो हैं आपस में इक्वल हैं और ये क्यू वी बी के इक्वल हैं, तो अगर हमें ये चीज़ मालूम पड़ जाए, ये क्वी एन बी है, अगर ये चीज़ हमें मालूम पड़ गई है, तो हमें अगर ये बताना हो कि इस पूरे के पूरे रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई क्या है, तो वो हम किस तरीके से बता सकते हैं। उसे बताने का सिंपल सा वे ये है कि हमें मालूम है कि अगर हमें किसी भी रीजन के अंदर अपनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी हो, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास एक, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को आपको बताना हो, तो आपको मालूम है कि वो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स जो उसका इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही है और जितने यानी कि चार्जेस पे लग रही होती है वो फोर्स, उसकी रेशो के इक्वल होती है।
आपके पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आती है वो इस तरीके से आती है कि आपके पास जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितनी भी इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई की जा रही है उनकी रेशियो का आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कह देती हैं। अब जैसे कि आपने कहा कि आपके पास जो एफ ई है ये क्यू वी बी के प्रोडक्ट के इक्वल है, चूँकि एफ बी के इक्वल जो है एफ एम के इक्वल है ना, एफ एम इज इक्वल्स टू एफ ई इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, तो जब आपस में ये इक्वल हैं तो यहाँ पर मैं एफ एम का फॉर्मूला लगा सकती हूँ जो कि क्यू वी बी के इक्वल है, और क्यू सिंपल है यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, और ये क्यू इस क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास जो ई के लिए फॉर्मूला आएगा वो वी इंटू बी आ जाएगा। और एक और चीज़, जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 किया था फिजिक्स बुक 2 का, जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 किया था, तो वहाँ पर हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान हम लोगों ने एक रिलेशनशिप पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ये कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस और हमारी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसके दरमियान जो रिलेशन होता है वो वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी के इक्वल होता है, जिसमें हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में भी पढ़ा था कि ई इज इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, इसे हम लोगों ने ग्रेडियंट ऑफ वी भी कहा था, और वी के लिए जो हम लोगों ने रिलेशन निकाला था वो हमारे पास माइनस ई डी के इक्वल आया था। तो अगर अब मैं यहाँ पर ऐसे कर लूँ कि ये जो मेरा वी है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, इस वी को मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि ये मेरी मोशनल ई एम एफ है, ये मोशनल ई एम एफ है जिसे एप्साई आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो बराबर है माइनस ई इंटू डी के, तो यहाँ पर अगर इसे मैं ई इंटू डी के इक्वल ले रही हूँ मोशनल ई एम एफ को, तो यहाँ पर ई का मुझे फॉर्मूला भी लगाना चाहिए जो कि वी डी के इक्वल है, तो अगर मैं उसे यहाँ पर लगा लूँ कि वी डी, और ये जो डी है ये डी हमारे पास लेंथ है जो कि हमारे कंडक्टर की थी, जिसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो गई, तो वहाँ पर जो है हमारे पास उस कंडक्टर की लेंथ जो है उसके डी के इक्वल है, तो यहाँ पे डी की जगह अगर मैं एल लिख लूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो है एप्साइल आई का फॉर्मूला जो है जो कि हमारी मोशनल ई एम एफ है वो माइनस वी बी एल के इक्वल आ जाती है। और अब ये जो है अगर हमारे पास इस तरीके से हो कि हम लोगों ने ये बात की है ना कि हमारे पास जो है बी और हमारे पास जो है वी ये आपस में राइट एंगल पे, यानी कि बी और वी ये जो है राइट एंगल पे हैं, तभी तो हमारे पास वी बी का जो है हमारे पास पीछे जो रिलेशन आया था जिसमें हम लोगों ने क्यू वी बी के इक्वल किया था क्रॉस प्रोडक्ट को हटा के, तब तो हमारे पास अगर ये एंगल 90 है तो ये रिलेशनशिप बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा आ जाए, एक ऐसा रिएक्शन आ जाए कि एक ऐसा हमें जो है एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़े जिसमें वी और बी जो आपस में है सर्टेन एंगल पर हो, यानी कि इनके दरमियान जो है एंगल 90 ना हो बल्कि कोई भी एंगल थीटा बनता हो, तो वहाँ पर हम लोगों को जो है मोशनल ई एम एफ का फॉर्मूला माइनस वी बी की जगह जो है यहाँ पर वी बी एल साइन थीटा लिखना पड़ेगा, मतलब कि हम माइनस वी बी एल नहीं लिख सकते, हमें वहाँ पे साइन थीटा भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अब थीटा की वैल्यू जो है 90 के अलावा कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि वी और बी जो है 90 के एंगल पर नहीं है बल्कि एट अ सर्टेन एंगल है, कोई भी एंगल हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, किसी भी एंगल के ऊपर जो है ये आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उस एंगल को हम लोग साइन थीटा के अंदर पुट करके इसकी मोशनल ई एम एफ निकाल लेते हैं। और ये जो माइनस साइन है ये माइनस साइन जो है काफ़ी लंबी डिटेल बताता है, जिसे हम लोग लेंज़ लॉ में पढ़ेंगे कि ये माइनस साइन क्या कहता है और इसे हम लोग क्यों यहाँ पर लगाते हैं। तो ये मोशनल ई एम एफ के बारे में थी, और ई एम एफ को हम लोगों ने इसलिए बताया क्योंकि हम किसी भी अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी सर्फेस को रखते हैं तो उसके अंदर से पास करने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसके अंदर इंड्यूस होती है तो कोई ना कोई ई एम एफ भी इंड्यूस होता है, और उस ई एम एफ को हम मोशनल ई एम एफ कहते हैं, जिसे अभी हम लोगों ने डिटेल में बताया कि ये मोशनल ई एम एफ जो है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के जो है आपस में रिलेशनशिप से किस तरीके से हम लोग निकालते हैं।